जल्दी बुलाओ। अरे भाई बजाते रहो, घंटी आ रहे हो गए, सबर कर जाओ। जल्दी अश्वत को बुलाओ। ओ भाई वो जब तक आ रहे, जो बात करनी है मुझसे कर लो। मैं नौकरों से बात नहीं करता। बस भाई बात नौकर मोकर नहीं बोलियो, मैं उनका दोस्त हूँ समझे ना। आपने अपॉइंटमेंट लेटर लिया था उनसे? मैं उनका कोई फैन नहीं हूँ। कौन हो फिर? मालिक मकान हूँ। तीन बार जलिए, मेरी जेब से ही तो बनी है। पैसा नहीं क्या कोई, तुम ही आके बजाते हो वरना मैं तो उखाड़ के फेंक दूँ। क्यों बजा रहे थे बैल? ये देखो। अरे मालिक मकान आए। और भाई क्या हाल चाल है, सब खैरियत है? मैं यहाँ हालचाल पूछने नहीं आया। हाँ तो किस लिए आए हैं? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ तो कीजिए, क्या बात करनी है? यहाँ आपको रहते हुए 11 महीने हो गए। नहीं, 13 महीने हो गए। करो भाई, 11 महीने हो गए तो? मैं 10% के हिसाब से किराया बढ़ाना चाहता हूँ। खुदा का खौफ करें, कोरोना का साल है, पूरा साल लॉकडाउन लगा रहा, काम धंधा बंद है, इस मौके पे आप किराया बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल इंसानियत दुश्मन वाली बात हो गई। मुझे कुछ नहीं मालूम, 3 महीने से आपने किराया भी नहीं दिया। बाबा वो तो असल में देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले महीने मेरे पहले बेटे की जॉब चली गई, दूसरे महीने इत्तेफाक से दूसरे की जॉब चली गई, और तीसरे महीने तीसरे की। इस तरह अखराजात में इजाफा हो गया, आमदनी कम हो गई, अब हमारे पास खर्चे के लिए पैसे नहीं है। आपके पास 5,000 उधार है, मैं 10 दिन में वापस। नहीं नहीं, मेरे पास में कोई पैसे नहीं है। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो, दो बेटे तो आपके जॉब ही नहीं करते। मजाक कर रहा है। जहाज उड़ा होता, ईंधन खत्म हो जाता ना, तो एक बच्चा दूसरे जहाज को धक्का लगा रहा होता। ठीक कह रहा, लेकिन असल में फ्लाइट भी नहीं चल रही ना, तो उन दोनों की जॉब भी खत्म हो गई है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं शाम में आऊंगा, 3 महीने का किराया देगा या घर खाली करेगा। शाम तक किराए का इंतजाम कहाँ से होगा? नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं जा रहा हूँ, शाम में आऊंगा। तो अरे यार अच्छी बात नहीं, बताओ जरा, शाम तक 3 महीने का किराया का इंतजाम? अश्वत भाई रोड पे आ गए, फैमिली रोड पे रहेगी आपकी। एक आईडिया है मुझे। क्या? तुम्हें मारते जाके पुलिस के पास FIR कटाते कि साथी ने हम पे हमला किया था, इस तरह पुलिस उसको पकड़ लेगी और किराया भी नहीं देना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं अश्वत भाई। जो भाई ना मैं आपकी औलाद हूँ और ना मैं आपके साथ रहता हूँ। ये बात तो मैं तो कहता हूँ, मैं आपका सर दीवार में घुसेड़ के फाड़ देता हूँ। मालिक मकान ने फाड़ा? नहीं नहीं, मेरा सर नहीं, किसी और का सर फाड़ा। सुल्तान? नहीं नहीं नहीं, सुल्तान तो भाई घर का खर्चा चलाता है उसका। फिरोज? नहीं भाई, फिरोज भी घर के खर्चे में हिस्सा डालता है। कौन है? फिरोज? हाँ फिरोज ने बड़े से कुर्बानी दी। ये बताओ फिरोज है क्या? कल शाम से दिखाई नहीं दे रहा। मैंने भी नहीं देखा, मुझे नहीं दिखाई दिया। चलो ठीक है, मैं जाके फिरोज को ढूंढता हूँ, अगर फिरोज नहीं मिला तो प्लान सी पे काम करेंगे। प्लान सी क्या है? वो मैं बता दूंगा बाद में। बता दो ना अभी। मालिक मकान को भी तुम ही लेकर आओ कमीशन के चक्कर में। अगर मुझे पता चला ना मुजाहिद, खुदा की कसम तू नेता, मैं तुम्हारे साथ करूंगा क्या। हरामखोर हमारी थाली में खाते उसी में छेद करते हैं। अम्मा मैंने सुना है मालिक मकान इस महीने से किराया बढ़ा रहे। हाँ तो तुझे किस बात की फिक्र, तू और बैरोज तो ऐसे भी मुफ्त में रह रहे हो यहाँ पे। अम्मा मैंने इस बात का जिक्र इसलिए नहीं छेड़ा ताकि आप मुझे ताने देना शुरू कर दें। अरे कहाँ चले बताए, तो हम तो तैयार भी नहीं हुए अभी। अरे मैं भी तो अपना हुलिया सीधा कर लूँ। अरे भाई शादी में नहीं जा रहे, मुर्दा खाने जाना है। है मुर्दा खाने? क्यों? वहाँ किसके जाते हैं? लाश शिनाख्त करने जा रहे हैं। और किसके? किसके लाश? अरे भाई लियाकताबाद में 40 गज के मकान में 6 मंजिला बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग ने तो गिरना था इसलिए जाना पड़ रहा है हमें। अरे तो बिल्डिंग के गिरने से हमारा क्या लेना देना? अरे भाई लियाकताबाद के पुराने मोहल्ले में मेरा एक पुराना दोस्त रहता है, उसने बताया बिल्डिंग गिरने से 5 मिनट पहले उसने भरोस को अंदर जाते हुए देखा, अब कुछ लाशें आई हैं, हमें पहुंच के शिनाख्त करना है कि ये भरोस है या नहीं है। मेरा बच्चा बड़ी जवानी में ही चला गया। अरे अरे रुकिया, अपने आप को संभालो, रुकिया एनर्जी बचाओ, वहाँ जाके भी हमें रोना है। सही कह रहे हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, बहरोज लियाकताबाद जाकर क्या करेगा? क्यों नहीं जा सकता वो लियाकताबाद, जब वो गार्डन जा सकता है, टावर जा सकता है, न्यू कराची जा सकता है, तो लियाकताबाद क्यों नहीं जा सकता? हाँ जा सकता है, मैंने कब मना किया, लेकिन मैंने तो उसे हैदराबाद भेजा है ना। बताओ सरा, जब जब कोरोना की लहर तेज होती है उठा के उसे हैदराबाद भेज देती है, वहाँ क्या कोरोना की वैक्सीन बन रही है? नहीं वहाँ कोई वैक्सीन नहीं बन रही है, वहाँ चूड़ियों का नया डिजाइन आया, मैंने उससे पहले ही मंगवा लिया। खाने को रोटी नहीं है ना, चूड़ियों के डिजाइन की पड़ी हुई है। अरे हर्षी छोड़ो ना, राइड आ गई, पैसे भर दूंगे। अरे भाई झूठ बोल रहा था, कोई राइड वाइड नहीं आई है। अरे आपको शर्म नहीं आती इतना बड़ा झूठ बोलते हुए? क्योंकि मैं अगर तुमसे सच सच पूछता बहरोज की तरह, तुमने कभी नहीं बताना था, इसलिए मैंने तुमसे मसलियतन झूठ बोला। अब ये मसलियतन झूठ क्या होता है? जिस झूठ के पीछे कोई नेक नियति कार फरमा हो, कोई अच्छा अमल हो, उसे मसलियतन झूठ कहते हैं। जैसे कि नजर की जरूरत, इसकी हमेशा पाकिस्तान में जरूरत रहती है। कितने फजूल किस्म के लेक्चर दे रहे हैं, आप जाएं मेरे कमरे से। नहीं जाऊंगा, जितना ये कमरा तुम्हारा उतना मेरे बेटे का भी है, मैं यहीं रहूंगा। ठीक है मैं जा रहा हूं। जाओ यहां से, दिमाग खराब कर रहे हो हमारा, और तुम हर वक्त यहीं बैठी रहती हो, कोई किताब भी पढ़ लिया करो, सुन कहीं की। हां तो क्या करूं, मोबाइल में ना बैलेंस डलवाते हो ना नेट चालू करवाते हो। मैं क्यों बैलेंस डलवाऊं, उल्टे सीधे फोन करती हो, रॉन्ग नंबर पे बातें करती हो। चुप करो। हाँ मुजाहिद, नहीं नहीं भाई, प्लान भी फेल हो गया, प्लान सी। ठीक है ओके ओके। गई? हाँ हर्षू तो हवा के घोड़े पे आते हैं, तुझे पता ही है। बस आपके हर्षू की बातें। अरे वो बैरोज हैदराबाद गया ना?
अरे अम्मा अब आप बातें सुनानी मत शुरू कर दीजिएगा मुझे। है, नहीं मैं क्यों बातें सुनाऊंगी, तू उससे कह कहना मेरे लिए चूड़ियों का साइज लिया है 2.5 नंबर रेड कलर की हो मगर। अच्छा मैं कह दूंगी लेकिन अभी तो उसका नंबर बन जा रहा है, जैसे ही ऑन होगा तब बोलूंगी। हाँ कह दीजो। हाँ हाँ बोल दूंगी। अबे सही से बेल बजा ले यार, तू दरवाजा क्यों बजा रहा है? अबे बेल तो बजा रहा हूँ, अब क्या बेल के अंदर से जाके गुद्दी पे चंबे कराऊं? तेरे घर वाले है ही पनौती, कोई उठता ही नहीं है, जब तो खिड़कियों से जाना पड़ता है घर में। अबे तू देख रही ना मुझे कितनी तकलीफ हो रही है मेरे भाई, तू तो तू बजा ना से। तेरी तकलीफ का मुझे अंदाजा है, खुशी मना शुक्र कर, बड़ा VIP वाला जख्म लगा तुझे। किस बात की खुशी, किस बात का शुक्र अदा करूं? अबे भाई अचमत भाई जैसा चाहते थे ना सामने वाली पार्टी पर केस करने का, उसी तरह पूरी हड्डी टूटी है। तू 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 बकवास नहीं कर, दरवाजा बजा, मुझे तकलीफ बहुत हो रही है। अबे आ जाओ भाई, कोई सुनता है क्या? नहीं सुन, आ जा। कैसे तुम लोग गले में हाथ में हाथ डाल के खड़े हो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अबे क्या हो गया भाई, गले में हाथ डाल के मजबूरी में खड़े हुए, मैंने इसको सहारा दिया हुआ है। अरे आप क्या किसी को सहारा देंगे, आप तो खुद बेसहारा है। देख नहीं रहा चोट लगी हुई है मुझे, अंदर जाने दे। कैसे लगी चोट? छत से गिर गया, गाड़ी से छत से गिरा था, गाड़ी वाला जा रहा था उसने अलग से मार दिया। झूठ बोल रहे हैं आप, यकीनन किसी के मामले में टांग अड़ाई होगी, जब ही टांग टूटी है आपकी। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा अगर तू इधर ही खड़े रह रहेगा। अबे तू हट जा, मैं अंदर जाने दे। और रहने दे भाई, तू हम दो जने हैं ना, कहीं भी चले जाने तो 10 पर भारी होते, हम क्या किसी से मार खा कर आएंगे। चल जा अपना काम से काम रख। लेकिन फिर ये हुआ कैसे? अबे तू क्या नीम हकीम है, कौन है तू, डॉक्टर कौन है? अबे हट गया, मैं बता रहा हूँ अंदर जाने दे। अच्छा अच्छा मैं एक मिनट हर्षवत अंकल को बताकर आता हूँ। हर्षवत अंकल को बताने की जरूरत नहीं, उनको सब पता है, तू अपना काम से काम रख। अबे फिर भी मैं उन्हें बताकर आता हूँ, मैं एक मिनट भी बता के आता हूँ। क्या चीज पालिया, अबे दरवाजा तो खोल दे भाई, खोल। अबे यार सॉरी यार, वो असल में ध्यान मेरा टेंशन में हो गया था। इधर आ जा, काहे की टेंशन, तकलीफ इसको हो रही है, टेंशन तुझे, सारा देश को, अंदर चल। अरे यार मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये वॉशरूम कैसे जाएगा। अबे यार वो भी अकमत भाई ने सोच के रखा हुआ होगा, तू दिमाग पे टेंशन ना ले, दिमाग पे जितना सोचेगा ना तो उतनी जल्दी वॉशरूम आएगा। इसके अलावा कचेरी कुर्सी भी मिलती है, टेंशन क्यों ले? यस यस शेरी, डू इट डू इट, तुम कर सकते हो, हिम्मत कर शेरी। आज तुम लोग इतना आगे घुसे, मैं कदम कैसे रखूं? मैं हम लोग पीछे हो जाते, तू पहले चला जाए। आप चले जाओ, आप जाओ, मैं जाऊं यार, अब निकल जाता यार फेरी। अरे भाई मतलब पता है क्या, यहां पे स्पेस नहीं है, काम करते हैं, एक एक करके आओ, एक एक करके बेवकूफ हमारे ही बच्चे। शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान मेरी इंडिपेंडेंस डे। खराब हो गया, किस बात का इंडिपेंडेंस डे? खुशी की खबर है ना। हाँ ये बताओ शेरी किधर है? सुल्तान ला रहा है। अश्वत अंकल वो शेरी का एक्सीडेंट हो गया। पता है मुझे पता है, लेकर आओ शेरी को, कहा छोड़ के आ गए तुम लोग? वो आ रहा है, मर देखते हो, जख्मी तो छोड़ के आ गए, खुद आके यहां सूखे में बैठे हो, पागल गए। आ गया आ गया आ गया, आराम से आराम से संभाल के लेकर आओ, संभाल के लेकर आओ, आ जाओ देख के देख के। हां बैठो बैठो आराम से। शेरी आइए बताओ मुझे एक्सरे कितने का हुआ? 500 रुपए का। 50 रुपए का एक्सरे होता, 500 का करा के लाओ? अरे वो दो 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 दिन बाद की तारीख दे रहा था, अर्जेंट बनवाया है। अच्छा डॉक्टर ने कितने पैसे लिए? 1000 रुपए। 1000 रुपए? 200 रुपए लेता है डॉक्टर। सर्टिफिकेट भी तो है इसमें, देखो तो सही, पूरा काम करवाया पक्का मैंने। शायद अगर तुमने मुझे चूना लगाने की कोशिश की ना, खुदा की कसम तुम्हारी खबर में घुस के कफन बेच दूंगा, बता रहा हूँ। हशू किस बात का शोर शराबा मचाया हुआ है? अरे शेरी का एक्सीडेंट हो गया, इसकी टांग टूट गई है। टांग का शक्ल अच्छी ना होना तो बात अच्छी करनी चाहिए, टांग नहीं टूटी सिर्फ हड्डी टूटी। तो एक ही बात हुई ना, मगर टूटी कैसे? अब्बा ने तोड़ी है। अश्मत भाई तो वो डायन है जो अपने बच्चे खुद खा जाती है। बकवास कर रहा है, सब कुछ मुजाहिद की वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था प्लास्टिक की पाइप लेकर आओ, लोहे की पाइप लाके दे दी, मैंने मिला के मारा, हड्डी चिकना चूर हो गई बेचारे की। अरे भाई मैं तो समझा था कि वॉशरूम में लगानी है, इसलिए पायदार पाइप ले आया था। अरे सब छोड़ो, ये बताओ टांग तोड़ी क्यों? मालिक मकान ने बैठे बैठे 20% किराया बढ़ा दिया, कोरोना का साल है, लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरा साल धंधा काम कुछ हुआ नहीं है और किराया बढ़ा दिया, बताओ। अरे तो किराया बढ़ाने से इसकी टांग तोड़ने का क्या सवाल पैदा हुआ भाई? इस बात का जवाब तुम्हें सुल्तान देगा, क्योंकि ये आइडिया में सुल्तान के दोस्त की वजह से आया है। अरे मेरे दोस्त की वजह से क्या है, मेरा खामा का नाम ले रहे हैं आप? क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने हम पर जाली मेडिकल करा के FIR कराई थी, इसी तरह आप हम मालिक मकान पे FIR कराएंगे कि उसने हम पे कत्ला नाम लगे और कत्ला नाम में शहरी जख्मी हो गया। और क्या होगा, मालिक मकान को पुलिस पकड़ लेगी, किराया बढ़ा लो, दूर की बात अपने आप को छुड़ाने के लिए हमें पैसे देके जाएगा। अशु थोड़ी तो शर्म कर लो, तुमने पैसे बचाने की खातिर जवान औलाद को लगड़ा कर दिया। सारी शर्म मैं ही कर लूँ, घर का किराया मैं दूँ, बिजली का बिल मैं दूँ, गैस का बिल मैं दूँ, और तो और पता है पानी का बिल 8000 रुपए आ गया है। 8000 रुपए?
हाँ भाई वाटर बोर वाले आते थे, खुद गैलन भर भर के टंकी भर के जाते थे। क्लास कर रहा है, 6 महीने से बिल नहीं देंगे तो यही होगा, 8,000 रुपए हो गया लग लग कर। हाँ तो टाइम पर बिल जमा कराते ना आप। अरे मुझे लगा वाटर बोर्ड का डिपार्टमेंट है, ये लोग सीरियस नहीं होते टैक्स सेलेक्ट करने में, लेकिन नहीं, हुकूमत हर जगह से टैक्स सेलेक्ट करने में लग गई है। अरे भैया इस बात को छोड़ो, ये बताओ घर में दूध है? हाँ हाँ, शहरी के लिए लाना ना हल्दी मिला के। नहीं नहीं भाई, मेरे लिए शेक बना के लाओ, तबियत घबरा रही है थोड़ा, दिल बेचैन हो रहा है, एनर्जी डाउन हो रही है मेरी। लो भाई टांग लड़के की टूटी है, एनर्जी इनकी जा रही है। भैया जितना बोला उतना करो जाके, और मुझे तुम वो मेरे लिए दूध में तुम मलंगा डाल के लाना। तुझे तो जहर मिला के लाऊंगी, तेरी वजह से टांग टूटी है मेरे बच्चे की। नहीं नहीं, कोई तुम मलंगे की जरूरत नहीं, चलो बाहर चलो, तुमसे बात करनी है जरा। क्या बात करनी है, यही कर लो, गंदी बात करनी है क्या? चलो साथ में बताता हूँ किसी के, चलो बाहर चलो। क्या हो गया? अच्छा चलो सुल्तान, शरीर का ख्याल रखना, अकेले छोड़ के मत जाना, बच्चा जख्मी है। सुल्तान यार वॉशरूम जाना है? अरे ये तो कोई मसला ही नहीं है, बस आप 2 मिनट सबर करें, मैं भी आया, मैं लेके जाऊंगा। अरे भाई बड़ी जोर से प्रेशर बना हुआ है, सुल्तान सुल्तान ले जाओ यार। अब्बा। हाँ भाई मुजाहिद, बात पूरी तरह समझ में आ गई है? हाँ अशमत भाई समझ गया बिल्कुल। क्या बोलोगे वहाँ जाके? वहाँ जाके बोलूंगा कि वो अशमत भाई ने मालिक मकान पे कातिलाना हमला कर दिया है। हाँ खराब हो गया तुम्हारा, बोलना कि मालिक मकान ने अशमत भाई पे कातिलाना हमला कर दिया। हाँ हाँ यही बोलूंगा कि मालिक मकान ने अशमत भाई पे कातिलाना हमला कर दिया। हाँ, और ये बोलना कि अशमत भाई बाल बाल बच गए। हाँ अशमत भाई, लेकिन बाल तो आपने कटवा दिए। मेरे साथ बुलबुले खेलो तुम्हारे। मैं जो आप बोलोगे वही बोलूंगा मैं। उनसे जाके बोलना कि उसने कातिलाना हमला किया, अशमत भाई बाल बाल बच गया, लेकिन शहरी शरीर जख्मी हो गया है, और अशमत भाई की तमाम फैमिली को खतरा रहा है, इसलिए जल्द अज जल्द ज्यादा से ज्यादा पुलिस लेके हमारे इलाके में पहुंचे और आके उस मालिक मकान को गिरफ्तार कर ले। ज्यादा से ज्यादा पुलिस क्यों बुला रहे हो? अरे भाई मोहल्ले में तमाशा होगा, शोर शराबा होगा, तो मालिक मकान की बेइज्जती होगी, उस पर प्रेशर पड़ेगा। तो आपकी भी बेइज्जती है ये बात, लेकिन खैर दफा करो, इज्जत तो आनी जानी चीज़, असल चीज़ तो पैसा होता है ना। हाँ ठीक है, अब निकलो, जाओगे कहाँ? गार्डन थाने में जान पहचाने में। गार्डन थाने में तुम्हारा बाप बैठा है, जोर थाने में जाओ, गार्डन थाने में जान पहचाने तो वहाँ जा रहे। अच्छा भाई जा रहा हूँ। यहाँ से कहाँ से जा रहे हो? अरे यहाँ से शॉर्टकट है, नाला फलाऊंगा सीधा रोड के ऊपर। अरे नाले में गिर गया तो तुम्हारी लाश ढूंढनी पड़ जाएगी। सर सर अमीर नहीं है बाप से, सर सर क्या होता है? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। क्या कर दिया मैंने ऐसे जो मुझे शर्म आनी चाहिए? मेरे खिलाफ आप जासूसी कर रहे हैं। मैं तुम्हारा बाप हूँ, कर ली जासूसी तो क्या बुरा किया? तो आपने किरण को मेरी सारी तस्वीरें भेज दी। हाँ अरे किरण ने अमेरिका जाने से पहले मुझसे पूछा कि आप मेरी खातिर फिरोज पर नजर रख सकते हैं, मैंने कहा नहीं, लेकिन पैसों की खातिर रख सकता हूँ, $100 per hour दोगी तो रख लूंगा। उसने मुझे हफ्ते की रात के $300 दिए, मैंने तुम्हारी पूरी रात की एक्टिविटी रिकॉर्ड करके उसे भेज दी। आपकी वजह से मेरा घर चढ़ने लगा। बकवास नहीं करो, दिल के अंदर लड्डू फूट रहे हैं और यहाँ पे बैठ के ड्रामा कर रहे हैं। तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि पलंग के दोनों तरफ से उतरो, सुबह उठो तो किसी मनहूस औरत के लिए नाश्ता ना बनाना पड़े, सिर्फ अपने कपड़े इस्त्री करने पड़े। इतवार वाले दिन इतने कपड़े धोते हो कि धोबी लगने लगे हो तुम, और मैं तो तुम्हारी दूसरी तीसरी चौथी शादी भी करा सकता हूँ, और नहीं तो क्या करूँ क्या रिश्ते की बात। अरे फिंगर टिप स्पीड डायल पे रखा हुआ नंबर मैंने, ये देखो। हेलो हाँ कैसी हो बहन? अरे वो जो तुम बेवा औरत का रिश्ता बता रही थी ना, जिसकी 5 बेटियां हैं, हाँ हाँ उस बेवा औरत से शादी करने के लिए फिरोज तैयार। अरे क्या कर रहे हैं जी? जी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी परेशानी दूर कर रहा हूँ। नहीं नहीं मैं किरण का इंतजार करूंगा। देख लो, हाँ मैं करूंगा, मर्जी है तुम्हारी, फिर तुम वो कहते हो कि बाप तुमसे प्यार नहीं करता। अरे याद आ रही है, बाजी इधर आए। क्या हुआ बिस्मा, क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रही हो? अरे बाजी ये देखें, क्या शहरी है? अरे मुझे भी पता है शहरी है, लेकिन ये वो शहरी नहीं है। क्यों बदल गया क्या? अरे नहीं भाई, इसकी टांग टूट गई है। टांग टूट गई है? किसने टांग तोड़ी? हशमत अंकल ने टांग तोड़ दी। लेकिन क्यों? अरे वो मालिक मकान के खिलाफ केस करना चाहते थे, इसलिए इस बेचारे की टांग ही तोड़ दी। मैंने उन जैसा सफाक आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अरे बाजी शुक्र है बहरूज बच गया, वरना बहरूज यहाँ लेटा हुआ था शहरी की जगह पे। क्यों ऐसा क्या हो गया? जिस सुबह ढूंढते हुए आए थे ना, पूछ रहे थे बहरूज कहाँ है, मैंने बोल दिया वो हैदराबाद गया हुआ है, इसलिए बच गया वो। ओहो तो फिर अब क्या होगा? अरे बाजी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, लेकिन मैंने सोच लिया हमें ना अशमत अंकल के खिलाफ रिपोर्ट करनी होगी, हमें बताना होगा कि अशमत अंकल से हमें और हमारे शौहरों को जान का खतरा है। लेकिन इसमें हमारा साथ कौन देगा? अरे शहरी देगा ना। चलिए हमारी बात मानेगा? अरे बाजी मेरी माने ना माने, लेकिन आपकी जरूर मानेगा। नहीं बिस्मा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अरे बाजी आप क्यों नहीं समझ रही, आपके शोहर को और आपको और मेरे शोहर को और मुझे अशमत अंकल से जान का खतरा है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और इसमें आप ही हमारा साथ दे सकते हैं। अच्छा चलो उठाओ उस मनहूस को। अच्छा उठाती हूँ। शहरी, अरे शहरी उठो।
अबे कहाँ है? अरे भाई आ रहे होगे, तुम्हारा कौन सा धूप में रंग काला हो रहा है जी साहब? अजी बेवकूफ आदमी, यहाँ क्यों बुलाया तुमने मुझे? अरे भाई सरप्राइज। क्या सरप्राइज है? मैंने कहा था कम से कम दो मोबाइल और 15-20 पुलिस वाले लेकर आना मोहल्ले में तमाशा करना, तुम्हें घर जी उठा के ले आए। अरे पूरे थाने में कोई नजर नहीं आया, टूटी हुई कुर्सी पे यही फारिक दिख रहा था। मुझे एक बात सच सच बताओ, तुम बाकी एसएचओ या रजाकार पुलिस वाले? क्या बकवास कर रहा है तू? मेरा कहने का मतलब है कि रजाकार पुलिस वाले को कुछ नहीं मिलता ना, एसएचओ के साथ तो मोबाइल होती है, कुछ तफरी होती है ना। मैं बकरी टाइप का एसएचओ हूं, मैं अपने साथ चमचे खर्चे लेके नहीं फिरता, अकेला जाता हूं हर जगह पे। इनके साथ इनकी फैमिली भी नहीं घूमती। अबे तुम ये बताओ तुमने बुलाया क्यों यहां? हां वो असल में बात दरअसल ये है कि मुझ पे कातलाना हमला हुआ है। भाई जी पागल हो गया। अबे तुझ पे कातलाना हमला करेगा कौन? मालिक मकान ने किया कातलाना हमला, और कातलाना हमले के अंदर मैं तो बाल बाल बच गया, लेकिन शहरी बेटा क्या है? सबूत क्या है? पा, 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 ये है ना सबूत, आया शहरी बेटा जख्मी हुआ है, उसका ये एक्सरे है और ये मेडिकल कराया हमने, देख लो भाई सारी रिपोर्ट देख सकते हो तुम, अब होगी एफआईआर। अबे ये मेडिकल रिपोर्ट ही गलत है। मैंने तुमसे कहा था कि सही करा के लाना, गलत टांग का एक्सरे करा के लाए तुम। अरे क्या कूले का आ गया, मैंने तो टांग का ही करवाया था। अबे कूले टांग का नहीं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, तो एफआईआर के लिए असली सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट चाहिए होती है। अच्छा अच्छा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी एक घंटे में करा के ले आएंगे हम। अबे कहां से करा के ले आएंगे, इसको 12 घंटे हो चुके हैं। ताजा जख्मी होता है, उसकी मेडिकल होती है सरकारी अस्पताल में, उसकी रिपोर्ट के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जब तुम्हारा मालिक मकान दोबारा तुम्हारे बेटे को मारेगा, जब वो जख्मी हो तो सरकारी अस्पताल में जाके मेडिकल कराओ, वो रिपोर्ट पेपर लेके आओगे तो फिर मैं उसे गिरफ्तार करूंगा। यानी बेचारे शेरी की दूसरी टांग भी तोड़नी पड़ेगी। तुमने तोड़ी उसकी टांग? इसके कहने का मतलब यह है कि अगर खुदा ना खौफता मालिक मकान ने हम पे दोबारा हमला किया और दोबारा हमले के अंदर दूसरी टांग टूटी, तो अब हम मेडिकल सरकारी अस्पताल से कराएंगे, क्योंकि हमें प्रोसीजर पता चल गया। ये है इसके तरीके। ठीक है, अब निकलो। कहाँ निकलो? नहीं मेरा मतलब है कि अब थाने जाओ, हो गया काम। अबे तो मुझे तो ये लेके आया, ये छोड़ के आएगा? किस लिए गया? अरे भाई वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं थी, इसके पास दूध वाले की साइकिल पे बिठा के लाया उसको, तो उसी पे छोड़ के आ मुझे। हाँ छोड़ के आ रहा है, आ जाओ भाई। जाके बोलना कि टायर पंचर हो गया, ठीक है फिर उतार देना, खुद चला जाएगा। मैं कह रहा था कि भाई गर्मी हो रही है, आजी साहब को रास्ते से कोल्ड ड्रिंक पिला देना। मुझे उम्मीद नहीं है भैया। अरे नहीं नहीं पिलाएगा पिलाएगा, इसका उधार चलता है, पिला देना भाई। थैंक यू थैंक यू। और हाँ भाई ऊपर की जेब में 50 रुपए रख देना, खुश हो जाएगा। रख दो कर लेंगे हिसाब किताब। शेरी अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अंधी हो, नजर नहीं आ रहा। तुम मजाक कर रहे हो ना? जब तुम्हारी टांग टूटेगी ना फिर मजाक करूंगा। असल बात पता है क्या है? मैं तुमसे ये कहने वाली थी कि मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा। तो अभी भी कुछ नहीं मांगो, क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मांग नहीं रही हूँ मैं। अरे भाजी रिलैक्स रिलैक्स। मैं तुमसे कुछ मांग थोड़ी रही हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारी हेल्प चाह रही थी। हाँ मुझे तो खुद हेल्प की जरूरत है, मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूंगा? बिस्मा इसको समझा दो वरना इसकी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी मैं। अरे बाजी बाजी आराम से, मैं करती हूँ ना बात। रुके शहरी भाई, आपको तो याद होगा पहले आप उस्मा बाजी से कितनी मोहब्बत करते थे, है ना? तो अब इन बातों का क्या फायदा है? मेरी तुम हटाने आई हो, मतलब मुझे तुम जताने आई हो, क्या मतलब क्या है? उस्मान सुल्तान की तो शादी हो गई, अब इन बातों का क्या फायदा? क्यों निकाल लूं ये बातें सारी? वो मैं ये कह रही थी कि कुछ भी हो जाए, कितना भी वक्त गुजर जाए, इंसान अपनी पहली मोहब्बत तो नहीं भूलता ना, है ना? लो इसे हेल्प लो, लो। अरे शेरी भाई आप क्यों रो रहे हैं? एक तो आपकी टांग वैसे पहले से टूटी हुई है, अब आप और स्ट्रेस ले रहे हैं। अरे हमारी बात तो सुन ले, फिर बाद में रोते रहिएगा भले से। अच्छा बोलो बोलो। सही हो जाएगा, फिकर नहीं। क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों रश लगा लिया? किसी की मैयत हो गई क्या? अरे हशु बात तो अच्छी कर लिया करो। क्या मतलब है तुम्हारा कि बात तो अच्छी कर लिया करो? मेरा कहने का मतलब है शक्ल तो तुम्हारी है ही अच्छी, तो बात भी अच्छी कर लिया करो ना। कवर कर रही है, कवर कर रही है। अरे सारी बातें छोड़ो हशु, इस वक्त मजाक का मूड नहीं है मेरा, बच्चा बहुत बीमार है। कहाँ से बीमार हो रहा है? चेहरा चमक रहा है, ग्लो कर रहा है एकदम। काय का चमक रहा है, काय का ग्लो कर रहा है, पीला पड़ा हुआ हल्दी की तरह। नहीं नहीं भाई, इसका स्किन कलर बचपन से ही ऐसा है, लाइट येलो। अरे 107 बुखार है उन्हें भाई। खराब हो गया, 107 बुखार होता तो अब तक फड़क के मर चुका होता। अरे मैंने खुद थर्मामीटर देखा है, पारा 107 पे था। अरे क्या बात कर रहे हैं यार, थर्मामीटर में वो जगह मिट्टी हुई थी, वहाँ 103 था और आप उसको 107 समझ रहे हैं। 107 होता तो पापा बिल्कुल ठीक है, अब तक तो ये मर चुके होते। लेकिन 103 बुखार भी तो कम नहीं होता, आप फौरन से किसी अच्छे हॉस्पिटल लेकर जाएं। अच्छे अस्पताल में
अच्छी फीस लगती है। पता है साउथ सिटी और आगा खान का बिल कितना बनता है? अरे अगर साउथ सिटी नहीं ले जा सकते तो सरकारी हॉस्पिटल ले जाए। नहीं नहीं नहीं, मेरा जमीर गवारा नहीं करता कि अपने बच्चे को सरकारी अस्पताल पे ले जाके फेंक दूं। वहाँ बेड पे छिपकलियां कॉकरोच वगैरह जाते। नहीं नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। अरे यार चुप कर जा पापा, ये आ रहेगा तो वैसे ही मर जाएगा ये। अरे नहीं भाई, अगर यहाँ क्यों मरने देंगे, मरने देना होगा तो फुटपाथ पे फेंकेंगे। मजाक कर रहा था। अरे ऐसे थोड़ी मर जाएगा भाई। हाँ भाई बिस्वा, जाके विंडो जीनो लेकर आओ, अभी लगाएंगे, अभी सेट हो जाएगा। मेरे पास कोई विंडो जीनो नहीं है भाई। अरे भाई तुम्हारी दराज में रखा हुआ है, तीसरी दराज में हार्ड डिस्क के डब्बे के पीछे। आप हर चीज पे नजर रखते हैं? कमरा खुला छोड़ के जाओगी तो कोई भी तलाशी ले लेगा। अम्मा देख रही है ना आप? माँ कहाँ से देखेंगी, अम्मा लेकर आओगी तो देखेंगी ना। अम्मा कोई शैतान थोड़ी है तुम्हारी। आओ भाई। और भाई उस्मान सुल्तान, तुम लोग खड़े हो तमाशा देख रहे हो। सुल्तान एक दर्जन केले खरीद रहे थे आप, उसका शेक कब बनाएंगे? आ जाइए उसमें मदद करिए, सुल्तान की मदद कराइए, जाइए। आई आइए। और रुकैया तुम यहाँ बैठ के देखती रहोगी, बेटे के लिए यखनी नहीं बनाओगी? मुर्गी लाओ। मुर्गी नहीं लाया मैं। क्यूब की यखनी बना दो, उसमें ही बड़ी ताकत होती है, मैंने देखा था। वो पी के 80-80 साल के बुढ़े खड़े हो जाते हैं। अभी लेके आती हूँ अपने बच्चे के लिए, ले अभी गई अभी लाई। हाँ जाओ। अबे फिरोज तुम भी थक गए होगे, सुबह से अपने भाई की देखभाल कर रहे हो, अब तुम जाके आराम करो, मैं ख्याल रखता हूं। नहीं पापा मैं ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं मैं आ गया हूँ ना, तुम जाके आराम करो। नहीं, मैं ठीक। अबे जब बोल रहा हूँ जाके आराम करो तो करो जाके आराम बेटा। जाओ भाई। हाँ भाई शादी बेटा, आप बताओ कैसी तबीयत है तुम्हारी? अरे अब वो छोड़ो, ये बताओ केस का क्या हुआ? केस का हो गया है, बस एक छोटा सा मसला हो गया। अब क्या हुआ भाई? वो आईजी साहब कह रहे हैं कि हमने मेडिकल जो है ना गलत अस्पताल से करा लिया, यानी कि प्राइवेट अस्पताल से। एफआईआर के लिए सरकारी अस्पताल का मेडिकल लगता है। तो अब क्या होगा? कुछ नहीं, बस एक छोटा सा काम और करना होगा। ये बताओ, इस टांग में चोट थी ना? हाँ। ये तो बिल्कुल सही है ना? ये तो बिल्कुल सही है माशाल्लाह। बस एक छोटी सी कुर्बानी देना होगी और थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करना होगा, ये टांग भी तोड़नी पड़ेगी। क्या? अरे भाई क्या बात कर, मेरी बात हुई है, उसने कहा अगर आप घुटने से नीचे तोड़ेंगे तो 6 दिन में जोड़ के दो दूंगा, गारंटी है। अरे पक्का मेरी उससे बात हुई? अरे मुंह पे तकिया रखो, दबाओ, तकलीफ महसूस करो, कुछ नहीं होगा, कुछ पता नहीं चलेगा। मेरा बच्चा मालिक मकान आ जाएगा, एफआईआर के लिए देर हो रहा है मेरा बेटा, मेरी जान। अरे नहीं कर, अरे क्या कर रहा है, गजब कर रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्या हो गया, क्या हुआ? तीसरी टांग ने दूसरी टांग तोड़ा मेरी यार। अरे अरे भाई वो भैया एफआईआर नहीं हो रही, उसके लिए सरकारी अस्पताल से मेडिकल कराना पड़ेगा, मजबूरी है वरना मालिक मकान आ जाएगा, 20% किराए का सवाल है। मैं आपको ये जुल्म नहीं करने दूंगा। अरे भाई मुझे करना पड़ेगा ये जुल्म, वरना हम सब सड़क पे आ जाएंगे। अरे क्या पागल हो गए बिल्कुल? अरे रुकैया तुम बीच में बताओ ना, तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। तो भाई देखो मेरे समझो, मैं भी बाबू, मेरी औलाद है, मैं जान की नहीं करता। आप जो भी कहें हम आपको ये करने नहीं देंगे। मैं तुमसे पूछ भी दे रहा हूँ, मेरी मर्जी है, मैं जो चाहे करूँ या ना करूँ। आप लोगों के हालात खराब है क्या? नहीं नहीं अल्लाह का शुक्र है, हम तो खाते पीते लोग हैं। अभी 10-15 दिन पहले मैं यूरोप टूर से आया हूँ। तो फिर इतने से पैसों के लिए अपने घर की प्राइवेसी क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? अब असल में मुझे ना बचपन से खिदमत खल्क का शौक था, और खास तौर पे पता चल जाए कोई मुसाफिर है तो मैं तो अपनी दिलो जान लुटा देता हूँ उसकी खिदमत करने के लिए, इसलिए बस खिदमत के जज्बे से। तो इसके अलावा प्राइवेसी की बात नहीं, अहले मोहल्ला जानता है इनके घर के क्या माहौल है, बेरोज फिरोज किस तरह जिंदगी निकाल।